सलामी के बाद अब परेड के निरीक्षण के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार बंधु एवं छायाकार बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े सौभाग्य व गर्व की बात है। उसी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हो कि सन 1950 में आज के ही दिन यानी 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ था। राकेश कुमार सलामी लेते हुए हरियाणा पुलिस की ये टुकड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन के साथ अब एनसीसी सीनियर डिवीजन योगेश कुमार के नेतृत्व में कैडेट
बाप सीना तान कर चल रहे हैं। अब हमारी टुकड़ी एनसीसी जूनियर डिवीजन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़ की ये टुकड़ी रोहित सैनी के नेतृत्व में बच्चों की कैडेट्स की कदमदार बैंड की धुन पर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ की जूनियर वुमन विंग की टुकड़ी महक अत्री के नेतृत्व में नालंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एनसीसी जूनियर डिवीजन आदित्य के नेतृत्व में सलामी देते हुए यदुवंशी शिक्षा निकेतन एनसीसी जूनियर डिवीजन कुशल सिंह तंवर के नेतृत्व में और अब मार्च पास्ट की टुकड़ियां आरपीएस खातोर की टुकड़ी गर्ल्स की प्रियांशु के नेतृत्व में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजरा कला गर्ल्स की मार्च पास्ट की टुकड़ी प्रतिज्ञा के नेतृत्व में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की मार्च पास्ट की टुकड़ी ईसा के नेतृत्व में राव जयराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेरी की बॉयज की टुकड़ी जतिन के नेतृत्व में सलामी देते हुए श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ की टुकड़ी यश के नेतृत्व में सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रही है मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ मार्च पास्ट की टुकड़ी सौरभ के नेतृत्व में सलामी देते हुए मंच के सामने से बहुत ही सुंदर ये नजारा अनुशासन का सर्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ भाविक शर्मा के नेतृत्व में सलामी देते हुए हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आशीष के नेतृत्व में सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं और अब हमारे सामने नन्ना मुन्ना बैंड हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन लाजवाब सलामी ग्रहण की हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जिले में विभिन्न स्कीमों के तहत लगाए गए हैं और 3 लाख से ज्यादा पौधे मुफ्त बांटे गए हैं। मंच के सामने से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ की झांकी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कथन के अनुसार आज देश को आईआईटी नहीं आईटीआई की जरूरत है। इस कथन की महत्ता को देखते हुए ये झांकी प्रदर्शन के लिए मंच के समक्ष पहुंच चुकी है जिसमें प्रशिक्षणार्थी विभिन्न तरह के कौशलों का प्रदर्शन करते हुए मंच के समक्ष हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए पर को संभाल कर रखते हुए पशु पक्षी जीव जीवन और पेड़ पौधों का संरक्षण करते हुए वन विभाग की झांकी इसके पीछे है हमारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महेंद्रगढ़ की झांकी। इस झांकी में प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। कम करने के लिए फसल की लागत को कम करने के लिए फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना का प्रदर्शन
प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महेंद्रगढ़ की झांकी। सरला यादव जी, सम्मानित बुजुर्ग माताओं बहनों, माननीय जज साहब श्री मंजीत जी, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और मंच पर विराजमान स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। दर्शकों से निवेदन है कि बच्चों की हौसला अफजाई जरूर करें, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इतनी ठंड के मौसम में और कितना बेहतर प्रदर्शन ये बच्चे कर रहे हैं। बहुत अल्प सुबह से ये बच्चे इंतजार में अनुशासन के साथ यहां सुबह से खड़े हैं और बहुत ही लाजवाब इनका प्रदर्शन। सुंदर लयबद्धता के साथ बहुत जोरदार प्रदर्शन, बहुत बधाई।